भारत से कहीं पर जाने भी नहीं देंगे। पूरी दुनिया में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए हम कृतनिश्चयी। भारत का मानना है कि बंगाल की खाड़ी से जुड़े सभी देश हमारे अत्यंत करीब है, सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से और राजनीतिक रूप से। इसलिए हम सबको विभिन्न विषयों पर साथ काम करने की आवश्यकता है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हम एक मंच पर है। यह भी हर्ष का विषय है कि आज इस अवसर पर आपने एनसीबी के मैनुअल को भी आज हमने जारी किया है। मैं एनसीबी को बधाई के पात्र इसलिए मानता हूं कि कुछ समय के अंदर ही इस मैनुअल को बड़ी बारीकी से तैयार कर आज भारत के सभी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के सामने रखने का काम उन्होंने किया है। भारत ने मादक पदार्थों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। हमने देश में नारकोटिक कंट्रोल के प्रति सख्ती के कई कदम उठाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यूनाइटेड नेशंस इंटरपोल के साथ अनेक कदम हमने उठाए। बिम्स्टेक कॉन्फ्रेंस के साथ इस दिशा में एक नया कदम है और मुझे भरोसा है कि इससे आने वाला मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन मैं बिम्स्टेक के सभी प्रतिनिधि, सभी राजदूत को यह विश्वास दिलाता हूं कि सिलसिला अटकेगा नहीं। यहीं से भारत कई क्षेत्रीय संगठनों के साथ चर्चा कर इसमें लीड लेकर पूरी दुनिया में नारकोटिक्स कंट्रोल को एक सुचारू रूप से लागू हो पाए, इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। बिम्स्टेक क्षेत्र के सभी देशों के साथ भारत के सिर्फ डिप्लोमेटिक संबंध नहीं, हम सभी सदियों से सभ्यता, इतिहास, कला, भाषा, खान पान और हमारे साझा सांस्कृतिक संबंध अटूट बंधनों से जुड़े हैं। इस क्षेत्र के एक और महान हिमालय पर्वत श्रृंखला है और दूसरी ओर हिंद और प्रशांत महासागरों के बीच स्थित बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी का एक क्षेत्र हम सभी के विकास, सुरक्षा और प्रगति के लिए विशेष महत्व रखता है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट दोनों नीतियों का संगम इस बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में होता है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा निकाले जाने वाली वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व में 15 से 64 वर्ष की उम्र के बीच विश्व की आबादी के लगभग 5.5% लोग मादक पदार्थों के प्रभाव से ग्रसित है, अर्थात विश्व के 27 करोड़ से अधिक लोग ऐसे पदार्थों की आदतों से घिरे हुए हैं। गंभीरता का विषय यह है कि इसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। सन 2009 में, अर्थात लगभग 10 साल पहले, ये आंकड़ा करीब 21 करोड़ था और 10 साल में ये बढ़कर 30% की बढ़ोतरी के साथ 27 करोड़ तक पहुंचा है। हर वर्ष नशे के कारण लाखों लोगों की मृत्यु भी होती है। निसंदेह मादक पदार्थों की ट्रैफिकिंग और इनका सेवन पूरे विश्व के लिए एक अभिशाप के समान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में 3 करोड़ लोग नशे की लत के शिकार है, बड़ी गलतफहमी है। मैं नहीं मानता ये आंकड़ा इतना कम होगा। नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। स्वास्थ्य की समस्याएं, परिवार टूटने के साथ ही नशे के व्यापार से देश की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा होता है। नशे का व्यापार आतंकियों और देश विरोधी तत्वों, समाज विरोधी तत्वों के लिए भी आमदनी का एक बड़ा जरिया है। इन देश विरोधी तत्वों के पास नशे के व्यापार से आया कमाया गया पैसा देश और समाज को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये डर्टी मनी इसका उपयोग आतंकवाद को पोषने के लिए, बढ़ाने के लिए होता है। आंकड़े बताते हैं कि पूरे विश्व में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से लगभग 400 बिलियन डॉलर का वार्षिक लेनदेन होता है। हम कल्पना कर सकते हैं कि इस काले धन का उपयोग किन किन असामाजिक और असंवैधानिक गतिविधियों में किया जाता होगा। पड़ोस देश अफगानिस्तान में अवैध अफीम की खेती होती है।
जानकारी है कि 3 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती अफगानिस्तान में होती है, जिसका प्रभाव केवल भारत पर ही नहीं सभी देशों पर पड़ता है। पिछले वर्ष देश में दक्षिण पश्चिम एशिया के देशों से आने वाली हीरोइन की मात्रा में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। एफएटीएफ के एक रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2011 में अकेले अफगानी अफीम और उससे उत्पन्न हीरोइन की बाजार में लगभग कीमत $60 बिलियन से भी ज्यादा थी। बिम्स्टेक देश सभी विकासशील देश है, अपने अपने देश में शांति समृद्धि खुशहाली हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लेकिन आज के इंटरकनेक्टेड विश्व में यह काम कोई अकेले नहीं कर सकता। हमें एक दूसरे के साथ चलना होगा और ये समस्या को निपटने के लिए एक दूसरे का सहयोग भी करना होगा, एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे के प्रयासों का पूरक बनना होगा। मैं मानता हूं कि आतंकवाद के नेटवर्क से जुड़े ट्रांसनेशनल अपराधों और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी समस्याओं को निपटने में सहयोग हम देशों के लिए सबसे बड़ा अवसर है और इसका हमने उपयोग करना चाहिए। वर्तमान में बिम्स्टेक क्षेत्र के देशों मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग के लिए सामान्य संकट से प्रभावित है। यह क्षेत्र मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अति संवेदनशील है, जो दुनिया के संवेदनशील क्षेत्रों में से एक माना जाता है। भारत में इस साल 2019 में अवैध हीरोइन की बरामदगी सितंबर के महीने तक पहले ही 2 मेट्रिक टन को पार कर गई है, जबकि पिछले वर्ष 2018 में पूरे वर्ष का आंकड़ा 1.2 मेट्रिक टन ही था। यह बताता है कि हमारी एजेंसियों ने कितनी मुस्तैदी से अपने काम को बढ़ाया है। अवैध हीरोइन को तस्करी के लिए तस्करों द्वारा हर कल्पनीय मार्गों और तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जो सभी बिम्स्टेक देशों को प्रभावित करता है। विगत वर्षों में इस क्षेत्र के देशों में बड़ी मात्रा में हीरोइन की बरामदगी समुद्री मार्ग एवं नावों से की जा रही है। हाल ही में सितंबर 2019 के महीने में भारत द्वारा अंडमान द्वीप में म्यांमार से तस्करी की जाने वाली 1.1 मेट्रिक टन से अधिक नशीली दवाइयों को पकड़ा गया। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विशेष रूप से म्यांमार की सीमा वाले राज्यों मणिपुर और मिजोरम में तस्करी के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र है। इन राज्यों के माध्यम से प्रवेश करने के बाद इस तरह के मादक पदार्थों की तस्करी अन्य पूर्वोत्तर राज्यों और पूरे देश में की जा सकती है। भारत सरकार ने देश में ड्रग समस्या के खिलाफ लड़ाई में लगी एजेंसियों के बीच प्रवर्तन और समन्वय गतिविधियों को मजबूत करने के लिए कई पहल की है। केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों एजेंसियों द्वारा अधिक सामंजस्यपूर्ण और समन्वित कार्यों को स्थापित करने के लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन की स्थापना की है। प्रमुख बरामद मादक पदार्थों की जांच की निगरानी के लिए गृह मंत्रालय ने ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी स्थापना की है, जो कि केंद्र तथा राज्य स्तर पर स्थापित किया जाएगा। ड्रग्स डाटा का डिजिटलीकरण हेतु गृह मंत्रालय ने हाल में ही ई पोर्टल सिम्स की शुरुआत की है। अधीनस्थ सभी एजेंसियों के लिए भी इसका उपयोग करने की व्यवस्था है। विगत 5 वर्षों में भारत में 1,89,000 से अधिक नशीले पदार्थों के मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 2,31,481 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ड्रग तस्करी में शामिल 1,503 विदेशी नागरिक भी शामिल है। इस अवधि में लगभग 13 लाख किलो गांजा, 15,420 किलो हशीश, 8,943 किलोग्राम हीरोइन और 303 किलो कोकीन की जब्ती की गई है। पुलिस प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय अकादमी भोपाल में उसी परिसर में एनसीबी के अधिकारियों के प्रशिक्षण देने के लिए ड्रग कानून प्रवर्तन के संबंध में एक प्रशिक्षण केंद्र भी गृह मंत्रालय शुरू करने जा रहा है। इस वैश्विक समस्या को देखते हुए भारत ने अभी तक 26
द्विपक्षीय समझौते की हैं, 15 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और 2 सुरक्षा समझौते जो कि ड्रग की अवैध तस्करी को रोकने के लिए और उसको निपटने से संबंधित है। भारत ने पड़ोसी और अन्य देशों के साथ ड्रग संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते को जो हस्ताक्षर किया है, इसके हस्ताक्षर को चरितार्थ करने के लिए भी एक बड़ा मैकेनिज्म इन हाउस हमने बनाया है। भारत ने इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में जागरूकता करने की भी पहल की है। वर्ष 2019 वियना में आयोजित 62nd CND के दौरान भारत ने इंटरनेट आधारित सेवाओं के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम पर विभिन्न देशों के लिए साइडलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया था। भारत ने इसी दिशा में B2B कंपनियों के साथ इस मामले को आगे बढ़ाया। भारत ने इन B2B कंपनियों के उचित पंजीकरण हेतु अधिसूचना भी जारी की है, जिससे ई प्लेटफॉर्म पर हो रहे ड्रग व्यापार को रोका जा सके। भारत सरकार नशीले पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित किया है। पिछले 5 वर्षों में भारत ने बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, म्यांमार और रूस के साथ नियमित द्विपक्षीय डीजी स्तर की वार्ताओं को भी आयोजित किया है। 2019 के दौरान सिंगापुर और म्यांमार के प्रतिनिधियों ने मादक पदार्थों की तस्करी के मुद्दे पर द्विपक्षीय चर्चा के लिए नई दिल्ली का दौरा किया। इसके अलावा भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वार्षिक वार्ता के लिए 2 अक्टूबर में बांग्लादेश का दौरा किया था। भारत नशीले पदार्थों पर बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने के और अन्य देशों के प्रशिक्षण देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। भारत ने पिछले 2 वर्ष में म्यांमार और कंबोडियन ड्रग कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए दिल्ली में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया था। पिछले 2 दशकों में बिम्स्टेक ने उल्लेखनीय प्रगति की है, परंतु हमारे सामने बहुत लंबी यात्रा है। काठमांडू के 4th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और स्थायी बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की ओर प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। हमारे आर्थिक एकीकरण को और गहरा करने के लिए अभी बहुत संभावनाएं हैं। यही हमारे लोगों के लिए, हमारी जनता की अपेक्षा है। हमारे जनमानस की अपेक्षाओं को, आशाओं को और अभिलाषाओं को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का बहुत अच्छा अवसर है। हम में से कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने आतंकवाद का की समस्या से जुड़े सवालों का सामना नहीं किया है। नशीले पदार्थों के संबंधित विषयों पर इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आइए हम संकल्प करें कि इस समस्या को मूल से ही खत्म कर दें। यह स्पष्ट है कि समस्या किसी एक देश की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। इसका सामना करने के लिए हमें एकजुट होना होगा और इसके लिए यथोचित कानूनों और नियमों में का फ्रेमवर्क खड़ा करना होगा। जानकारी को साझा करने के मैकेनिज्म का निर्माण करना होगा। इसके नेटवर्क के खिलाफ एक्शन लेने हेतु साझे एक्शन के भी कार्यक्रम सोचने होंगे। इस क्षेत्र में भारत की एक विशेष भूमिका है तथा इस क्षेत्र में सबसे बड़े देश होने के कारण भारत के ऊपर इस समस्या को हल करने की पहल करने का अधिक उत्तरदायित्व भी है। इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत अपने उत्तरदायित्व को निभाने से कभी पीछे नहीं हटेगा। मुझे हर्ष है कि बिम्स्टेक देशों के साथ साथ आज भारत के सभी राज्यों से ड्रग के क्षेत्र में काम करने वाले सभी मंत्रालयों तथा विभागों के प्रतिनिधि आज हमारे सामने उपस्थित है। इनमें से बहुत से राज्य तटवर्ती तथा सीमावर्ती राज्य हैं जिनकी सीमाएं बिम्स्टेक राज्यों से लगी हुई है या वो खुद भी बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं। इस 2 दिन के सम्मेलन में भाग लेने से मुझे विश्वास है कि इन सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को भी लाभ मिलेगा और साथ में बिम्स्टेक देशों के साथ आए अतिथियों को भारत के विभिन्न प्रांतों में किए जाने वाले अच्छे कार्य के बारे में भी सूचना प्राप्त करने का मौका मिलेगा। विचारों के इस आदान प्रदान के इस समस्या के निवारण के नए तरीके भी सामने आएंगे। मित्रों, ये वार्तालाप नारकोटिक्स की दुनिया में अत्यंत आवश्यक हो चला है। इसका कारण यह है कि दुनिया में पाई जाने वाली ऐसा नशा करने वाली सामग्री मात्र पौधों से मिलने वाले अफीम या चरस तक सीमित नहीं रहेगी।
आज बहुत से नशे के पदार्थ रासायनिक होते हैं, अर्थात जिसके उत्पादन छोटे से लेबोरेटरी में या छोटी मोटी फैक्ट्री में आराम से किया जा सकता है। यह पदार्थ परंपरागत ड्रग की अपेक्षा से कहीं ज्यादा अधिक हानिकारक होते हैं। फेंटेनिल नाम का रासायनिक ड्रग हीरोइन की तुलना में 50 गुना ज्यादा हानिकारक है। लगभग 250 से अधिक ऐसे नशीले पदार्थ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में नियंत्रित है और देशों में भी इस पर नियंत्रण है, परंतु बहुत से ऐसे भी नए पदार्थ है जिसमें नशा भी होता है और वो पदार्थ अंतर्राष्ट्रीय कंट्रोल के दायरे के बाहर होता है। ऐसे पदार्थों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब तक ऐसे 900 से भी अधिक पदार्थ विश्व में पहचाने जा चुके हैं। स्पष्ट है कि अब तक हमने जिस नीति या सोच के साथ मादक पदार्थों का सामना किया है, अब इस नई परिस्थिति में वे नीतियां सफल हो पाएगी वो जरूरी नहीं है। हम सबको मिलकर कुछ ऐसे नए विचार करने पड़ेंगे जिससे नए पदार्थों की उपज पर कारगर रोक हो सके। मैं आशा करता हूं कि यह सम्मेलन आप सभी को इस विषय पर गंभीर मंत्रणा करने का अवसर देगा। मेरा मानना है कि हम सबको अपने देश में वैज्ञानिकों चिकित्सकों के साथ मिलकर कुछ ऐसे भी शोध कार्य करने पड़ेंगे जिसे हमें नार्कोटिक ड्रग का दवाइयों में उपयोग करने की आवश्यकता ही न पड़े। नार्कोटिक ड्रग्स के विकल्प खोजने की आवश्यकता पर भी जोर देना होगा और इस दिशा में R&D पर भी बहुत काम करना होगा। ऐसे करने से इस समस्या को जड़ से मिटाने में हमें बहुत मदद मिल सकती है। अपने देश की बात करूं तो आंकड़े बताते हैं कि हमारी देश की सभी एजेंसियों ने मिलकर पिछले वर्ष नार्कोटिक्स कंट्रोल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। सबसे ज्यादा ड्रग्स बरामद की है, सबसे ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है। इस बार इस सम्मेलन के लिए मनीट्रेल ड्रग डाटा का डिजिटाइजेशन, हमारे सभी देशों में कानून और नियमों का सामायिक फ्रेमवर्क, नशीले पदार्थों पर बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करना, ड्रग कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम तैयार करना, ऐसी कॉन्फ्रेंस समय समय पर आयोजित कर इस विषय को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना देखा है ड्रग फ्री इंडिया का। ये सपना बहुत सारे देशों को भी फायदा करेगा और पूरे विश्व के अंदर ड्रग की हेराफेरी के ट्रैफिकिंग के साथ जुड़े हुए इतने बड़े कारोबार को, घृणित कारोबार को कंट्रोल करने में मदद रूप भी होगा। मैं अंत में फिर से एक बार आप सभी का हृदय से भारत सरकार और भारत की ओर से स्वागत करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि यहां जो विचार मंथन होगा इससे जो अमृत निकलेगा वो अमृत पूरी दुनिया के ड्रग से ग्रसित लोगों के लिए आशीर्वाद समान होगा और पूरी दुनिया में ड्रग की समस्या को कंट्रोल करने में हम सफल होंगे। फिर से एक बार सबका धन्यवाद कर वंदे मातरम।